जराइम की दुनिया में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर के नाम सुने होंगे जिन्होंने अपने नाम के दहशत से एक छत्र राज किया, लेकिन उनके दहशत की भी एक सीमा थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे 21 साल के नए गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने मात्र कुछ ही दिनों में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम की दहशत कुछ इस तरह फैला दी कि उसे पकड़ने के लिए एक साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में NIA और CBI के 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने मिलकर छापे मारे, लेकिन उसे पकड़ने में नाकाम रहे। यही नहीं, उसके क्राइम की स्पीड को देखकर दुनिया की सबसे मशहूर एजेंसी इंटरपोल को भी उसके ऊपर रेड अलर्ट नोटिस जारी करना पड़ा। तो आइए जानते हैं क्राइम की दुनिया के एक नए गैंगस्टर हिमांशु उस भाव के गैंगस्टर बनने की कहानी को। मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला भाव, जिसने महज कुछ ही सालों में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली। रोहतक के रिटौली गांव से ताल्लुक रखने वाले भाव का आपराधिक सफर बिल्कुल फिल्मी है। कहा जाता है कि हिमांशु भाव, जिसने सबसे पहले अपने किसी विरोधी की हत्या करना चाहा, लेकिन वो असफल रहा और वहीं से उसकी एंट्री जराइम की दुनिया में हो जाती है। हालांकि सन 2020 में जब हिमांशु की उम्र महज 18 साल थी, तभी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और उसे हिसार के एक जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां से वह कुछ ही दिनों में भागने में कामयाब हो जाता है और अपने कारनामों को फिर से अंजाम देना शुरू कर देता है। अब तक हिमांशु का क्राइम ग्राफ इतना तेजी से बढ़ गया था कि सिर्फ हरियाणा के झज्जर और रोहतक में ही उसके ऊपर 17 से ज़्यादा हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के केस दर्ज हो गए थे। साल 2022 में मार्च के महीने में कुल 24 दिनों के अंदर ताबड़तोड़ 3 मार्च, 7 मार्च और 28 मार्च को 3 हत्याएं होती हैं, जिससे पुलिस प्रशासन के बीच गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। जब इन हत्याओं की जांच पड़ताल की गई तो एक बार फिर सच की सुई हिमांशु भाव के ऊपर गई। यह देखकर भारतीय जांच एजेंसियों ने हिमांशु भाव के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया और उसके ठिकानों पर व्यापक रूप से ताबड़तोड़ छापे मारे, लेकिन हिमांशु भाव उनकी पहुंच से दूर था। हिमांशु ने समय की नजाकत को देखते हुए जाली पासपोर्ट की मदद से 2022 के अंत तक देश छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गया और वहां से फिर पुर्तगाल चला गया। विदेश शिफ्ट होने के बावजूद भी हिमांशु भाव अपने गुर्गों की मदद से अपने कारनामों को अंजाम देता रहता है। उसके क्राइम ग्राफ को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और CBI ने इंटरपोल की मदद मांगी और सबने मिलकर, जिसमें 500 से ज़्यादा अधिकारी शामिल थे, हिमांशु भाव और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे, जिसका दायरा हरियाणा, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके थे। लेकिन एजेंसी को कुछ खास हाथ नहीं लगा, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने हिमांशु भाव के ऊपर 1.5 लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया और जिसके बाद अन्य आसपास के राज्यों ने भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। हिमांशु भाव के खिलाफ इतना सब होने के बावजूद भी वो चुप नहीं बैठा। दिसंबर 2023 में उसने अपने गुर्गों की मदद से दिल्ली के द्वारका में एक बिल्डर के कार्यालय पर 40 राउंड से ज्यादा गोलियां चलवा दी, जो उस साल की सबसे दुस्साहसिक घटना थी। इसके बाद साल 2024 में मार्च के महीने में दिल्ली और सोनीपत के बीच स्थित गुलशन ढाबा पर एक शराब व्यवसायी सुंदर मलिक पर 35 राउंड फायरिंग करवाकर उसकी हत्या करवा दी और यह संपूर्ण घटना CCTV में कैद हो गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जनता में आक्रोश पैदा हो गया। दरअसल सुंदर मलिक नीतू डाबोरिया गैंग से जुड़ा था, जो बाद में शराब के कारोबार में उतर गया था और खुद को बहुत बड़ा गुंडा मानता था। सुंदर मलिक की हत्या की जिम्मेदारी भाव गैंग ने ली और उसके बाद जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में लग गई, लेकिन भाव उनकी पहुंच से दूर था। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है उसका सही लोकेशन। कुछ का मानना है कि हिमांशु भाव अमेरिका शिफ्ट हो गया है और अपने खास दो आदमियों योगेश कादियान और साहिल के साथ मिलकर इस गैंग को चलाता है और वहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अपने गैंग में भर्ती करता रहता है। इंटरपोल ने इन दोनों के खिलाफ भी रेड नोटिस जारी कर दिया है। साहिल और कादियान, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें बबीहा गिरोह और खालिस्तानी समर्थकों से समर्थन प्राप्त है, कादियान जो कि वर्तमान में बबीहा गिरोह से जुड़ा है, वो अत्याधुनिक हथियार चलाने में माहिर है और वो 17 साल की उम्र में अमेरिका शिफ्ट हो गया था। दोस्तों, अभी तक हिमांशु भाव और उसके खास आदमी कानून की पहुंच से बहुत दूर हैं, लेकिन देखना है कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं और कब तक इस भाव गैंग का खात्मा होगा।